बरेली से खबर बता देते हैं, जहां पर सपा का प्रतिनिधिमंडल आज बरेली पहुंचेगा। विधायक शाहजिल इस्लाम के घर पर जाकर करेगा मुलाकात। आपको बता दें कि इनकी बहुत सारी संपत्तियों पर बुलडोजर चला, पेट्रोल पंप को तोड़ा गया, उसको लेकर आज सपा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा बरेली। विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष संजय लाठर भी पहुंचेंगे। डीएम शिवाकांत द्विवेदी के साथ भी होगी बैठक। विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष भी होंगे शामिल। बीडीए द्वारा विधायक का पेट्रोल पंप गिराने को लेकर होगी बातचीत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शानू फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शानू, क्या कुछ जानकारी है? आज सपा का डेलीगेशन जो है वो विधायक शहजल इस्लाम के घर पर जाकर उनसे मुलाकात करेगा, साथ ही साथ डीएम से भी मुलाकात करेगा, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, निश्चित तौर पे यशी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ दिनों पहले विधायक शहजल इस्लाम का कुछ विवादित बयान था, उसके बाद से उन पर कार्रवाई होती हुई नजर आई, जिसके बाद उनका जो पेट्रोल पंप था उसको जमीनोदोस्त किया गया, क्योंकि बीडीए के मानकों के अनुसार उनका पेट्रोल पंप नहीं बना गया था। लेकिन उसके बावजूद जो सपा के प्रतिनिधि हैं या फिर सपा विधायक है, उन्होंने साफ साफ आरोप लगाए हैं कि हमसे जो है राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है, जो कि बिल्कुल पूर्णतः गलत है। जिसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार की बात की जाए तो उन्होंने निर्देश किया था लगातार जो कार्रवाई हो रही है गलत या फिर उनके विधायकों पर कार्रवाई हो रही है, तो वहां पर उनका एक डेलीगेशन जाता है, बातचीत करता है। तो इसी दौरान ये आज जो है 26 तारीख है, आज ये डेलीगेशन पहुंचेगा, इसमें खुद विधान परिषद के जो नेता प्रतिपक्ष हैं संजय लाठर के साथ साथ 11 लोग और भी शामिल होंगे, और टोटल ये 12 लोगों का सदस्य टीम होगी, जिसके सबसे पहले वो शहजल इस्लाम के विधायक के घर पर पहुंच के बातचीत करेंगे और सभी मानकों की जानकारी लेंगे। उसके बाद ही तथ्यों के आधार पर डीएम शिवाकांत द्विवेदी से बातचीत करेंगे, और जिस तरीके से बातचीत बन पाएगी तो उसमें जो है साफ तौर पर से जानकारी मिल रही है कि डीएम के सामने ये पेशकश रखेंगे कि जो उनका जो जमीन है उसको जो पेट्रोल पंप तो ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन जमीन को सीलिंग में ना लाया जाए, तो इन सभी मुद्दों पर बातचीत होगी। हालांकि अभी तक ये सामने क्लियर नहीं हो पाया है कि समय क्या रहेगा, किस बजे तक, कितने बजे तक बरेली पहुंचेगा डेलीगेशन, और शहजल इस्लाम का अभी तक ये जानकारी मिल रही है कि घर पर बातचीत होगी, लेकिन अभी जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो डेलीगेशन जो है उनके घर पर बात नहीं करेगा, कहीं अलग गुप्त ये मीटिंग होगी। उसके बाद ही शिवाकांत द्विवेदी से बातचीत करने के बाद संजय लाठर जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं वो प्रेस वार्ता भी करेंगे, 2 बजे का समय बताया है प्रेस वार्ता का। लेकिन देखने वाली बात होगी यशी कि डेलीगेशन बरेली पहुंच रहा है, सपा विधायक मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, क्योंकि आजम खान खुद जेल में है तो उन्होंने सपा के डेलीगेशन से बातचीत करने को मना कर दी, तो ये सब चर्चाओं का विषय बना हुआ है। लेकिन देखने वाली बात होगी डेलीगेशन बरेली पहुंच रहा है और बरेली पहुंचने के बाद डीएम शिवाकांत द्विवेदी से क्या आश्वासन मिलता है। यशी जी, शानू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि आज बरेली पहुंचेगा सपा का प्रतिनिधिमंडल, करीब 12 लोग इस में मौजूद रहेंगे, और विधायक का जो पेट्रोल पंप तोड़ा गया था उसको लेकर डीएम से मुलाकात भी करेंगे, डीएम शिवाकांत द्विवेदी के साथ भी बैठक होगी। पंजाब